नाइट पर लगा सितारों का मेला। रूपाली गांगुली से लेकर कार्तिक आर्यन तक सभी ने बिखेरा रेड कार्पेट पर अपना जलवा। अवार्ड्स की शानदार शाम। बीती रात मुंबई में हुए IWM बस डिजिटल एंड OTT अवार्ड्स 2023, जिसमें शामिल हुए टीवी, बॉलीवुड और OTT जगत के सभी तमाम सारे सितारे। सभी फील्ड के सितारे एकजुट हुए और इस शाम को बना दिया और भी ज्यादा शानदार। वैसे इस खास शाम में इंडिया टुडे को भी अवार्ड से नवाजा गया। टुडे ओरिजिनल डियर फ्रेंड्स डांसिंग ऑन द ग्रेव को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला। वैसे इस अवार्ड फंक्शन की शाम बढ़ाई कई सारे सितारों ने, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हसीनाओं की। इस अवार्ड फंक्शन में खास मेहमान बनकर आई आप सबकी प्यारी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली, जिन्होंने ये व्हाइट कलर का आउटफिट चुना। इशिता गांगुली, पूजा बैनर्जी, स्नेहा जैन, भूमिका गुरुंग। और बात करें बॉलीवुड की हसीनाओं की, तो यहाँ नजर आई नुसरत, जो इस लाल कलर के आउटफिट में लग रही हैं काफी खूबसूरत। इसके अलावा सतरंगी आउटफिट में नजर आई दिया मिर्जा। काला जादू चला रही हैं हुमा कुरेशी, तो साथ नजर आई कुपरा सहित उर्वशी रौतेला। रकुलप्रीत जो यहां पहुंची अपने बॉयफ्रेंड जैकी भगदानी संग, साथ ही नजर आए वाणी कपूर। टीवी और बॉलीवुड के मुंडों की बात करें तो यहां नजर आए शहीर शेख, सुनील शेट्टी, अदनान खान, सुमित, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन और अर्जुन कपूर। इसके अलावा कई और सितारों ने इस अवार्ड फंक्शन में शिरकत की। सभी प्लेटफॉर्म्स के कलाकारों को अवार्ड से नवाजा गया, चाहे फिर वो हो बॉलीवुड या हो टीवी या हो डिजिटल या हो OTT, सभी को किया गया अवार्ड से सम्मानित। तो आइए इन कलाकारों से जानते हैं इस अवार्ड नाइट के बारे में। ये मेरा पहला अवार्ड है नमस्ते अमेरिका के लिए, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हद से ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि एक टेलीविज़न रनिंग शो करते वक्त साथ ही में उसका प्रीक्वील करना, जो कि 17 साल पहले का है, बहुत बड़ी बात है। वो ऑस्टेंटेशियस बजट आपको दूसरे शोज़ में दिखा देते हैं, इसमें इट वॉज़ प्योरली कॉन्टेंट एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन। और ऐसा मौका सिर्फ राजन शाही दे सकते हैं अपने एक्टर्स को। कौन सा मेकर ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा कि अपने शो कि यू नो वहाँ पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, अनुपमा पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए इस 45 साल की महिला को आपने 27 साल की दिखाया और उसे अवार्ड भी दिलवाया। वे अनुपमा शूट करके, जो अभी रनिंग अनुपमा शूट करके, शाम को नमस्ते अमेरिका शूट करना, या फिर आज नमस्ते अमेरिका कल अनुपमा शूट करना, मतलब एटलीस्ट वी हैड अ ग्रेट टीम। इट वॉज फैंटास्टिक एक्टर सरिता जी वॉज देयर, अरविंद अंकल, अल्पना बेन, सुधांशु, सो द एक्टर्स वर सो फैंटास्टिक कि मज़ा आ गया करते हुए। और हमारे डायरेक्टर रोमेश कालरा, अब भाई सुनन सर, एवरीबॉडी बहुत अच्छा लगा आके। एक्चुअली सब बोल रहे थे हाउस पार्टी लग रही है, जुबली की हाउस पार्टी लग रही थी, और मुझे भी मतलब टीम थोड़ा अपना सा लगता है, बिकॉज अभी मेरी जो बंगाली फिल्म है वो बुम्बादा के साथ ही है, तो वी
आई वाज एक्चुअली फीलिंग लाइक कि अपने लोगों को ही अवार्ड मिल रहा है एंड फाइनली मेरे शो को भी अवार्ड मिला, नमस्ते अनुपमा को भी अवार्ड मिल गया और मैं सिर्फ अकेली मेंबर थी रूपाली दी के, दो रूपाली दी को चीयर करने के लिए. सो आई रियली फेल्ट गुड एंड ऑफकोर्स एवरीबडी डिजर्व द अवार्ड्स एंड इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा कॉन्टेंट बन रहा है, तो इट्स रियली अ गुड थिंग. देखा आपने? नहीं, अब तक नहीं देख पाई हूँ मैं, बट मैं ऑफकोर्स आप ना चाहते हुए भी आपको सोशल मीडिया से सारी खबरें मिली जाती है. आई डोंट थिंक, नहीं एज ऑफ नाउ मैंने एक्चुअली सारे कंटेस्टेंट्स देखे नहीं है कौन कौन है, बट जितने देखे उसमें तो आई डोंट थिंक मेरे कोई फ्रेंड है. ज़्यादा ही यार स्पेक्टेकुलर लगा मुझे ये इवेंट, बिकॉज आई सॉ मनोज सर, आई सॉ विक्रम सर, आई सॉ सिद्धांत, बिग फैन, देन आई सॉ राजकुमार राव. ये पहला जो रो था ना कुछ ज़्यादा ही स्टार स्टार्टेड मुझे लग रहा था इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, लाइक द अमाउंट ऑफ टैलेंट सिटिंग इन दैट फ्रंट रो एंड द सेकंड रो वाज जस्ट आई एम लाइक यो फैन बॉय मोमेंट. ओह मैन, ऑलवेज फॉर मी, ऑलवेज. मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, आई एम जस्ट ब्लेस्ड मैन. हर बार द लास्ट टाइम आई डिड अ जीईसी शो, एक्सेप्ट लीव लेट अलोन, छोड़ो कि यार दुनिया ने क्या सोचा, जो टीम बनी थी, जो एक्टर्स थे उस यूनिट में, इट वॉज अ फैंटास्टिक वर्किंग एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक स्टार्ट टू फिनिश. इधर आया हूँ एंड इट्स द सेम थिंग एंड आई एम लाइक यो आई एम गेटिंग रियली लकी विद द टीम्स दैट आई एम वर्किंग विद एंड ऑब्वियसली जो बाय प्रोडक्ट है कि लोगों को पसंद आ गया वो तो एक दूसरी बात है. सो आई जस्ट फील आई एम लाइक रियली ब्लेस्ड, गॉड्स बीन रियली काइंड टू मी. मैं बीच में ट्विटर पर बहुत एक्टिव हो गया था, उसके बाद आई स्टार्टेड नोटिसिंग मेरा ईगो ज़रा बढ़ गया है, ज़रा ज़्यादा ही टेंशन में आने लगा हूँ. फिर जब गाली पड़ती तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, यू नो आई वॉज रिएक्टिंग बेसिकली वट आई नोटिस वॉज बाद में कि आई वॉज रिएक्टिंग अ लॉट टू कॉमेंट्स, गुड और बैड. नाउ गुड इट्स नाइस, गिव्स यू कॉन्फिडेंस, यू आर अमेज, बट वेन इट्स बैड, वेन पीपल आर कॉमेंटिंग एंड ऑल दैट, इट वुड गेट टू माई हेड. सो आई टुक अ स्टेप बैक, आई सेड यू नो वट, मैं अपनी इंस्टाग्राम की छोटी सी दुनिया में खुश हूँ. मैं इंस्टाग्राम में सर्च नहीं करता हूँ. I go in my DMs, I reply to a few people, I check my this thing, because मैं उस किस्म का इंसान हूँ जहाँ social media I feel is a little more negative for me than positive, so I take a chill pill. It's very very special, it's my first show, तो पहली बार YouTube से थोड़ा universe से बाहर निकल के कुछ नया try किया था. It was my first film set और मैं वहाँ पे I went there and I was like this is great, I want to do more of this. People are waiting for the season 3. Personally, I am also waiting for season 3. I have no clue. मैं खुद इनफैक्ट आज मैंने आकर्ष को फोन किया था, मैं कहा कुछ तो बता दो यार क्या हो रहा है कैसे हो रहा है. वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट जितने आप एक्साइटेड उतनी मैं एक्साइटेड, जितने आप क्लूलेस उतनी मैं भी क्लूलेस हूँ. शो आई हैव एन ऑडिबल शो कॉल्ड मार्वल वेस्टलैंडर्स दैट्स गोइंग टू लाइक इट विल स्टार्ट नाउ एंड देन आई एम इन हॉकआई व्हिच इज कमिंग अप. आई हैव गॉट नियत रिलीजिंग ऑन द 7th ऑफ जुलाई. Which is in theaters. Please go and watch it. If we will you, definitely. Yeah, thank I would, you so much. And your interview with KC was fine. Thank you, thank you. I'm so glad you watched it. और गाने आएंगे और अगले हफ्ते पिक्चर आएगी. दो हफ्ते. तो देखा आपने RWM Buzz Digital और OTT Awards में हुआ कितना धमाल. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.